यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर मई 2024 के लिए। ठीक, आपके सीए इंटर का ग्रुप टू का ये पहला पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है और ग्रुप टू को क्लियर करने के लिए ये पेपर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज जो पहला लेक्चर है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक नंबर तो क्लास का डिस्क्रिप्शन, फिर देखेंगे सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, थर्ड में आएंगे टॉपिक के ऊपर कि आज क्या करने वाले हैं। ठीक, अगर क्लासेस की बात करूं तो पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लास मैंने शुरू किया है। क्लास 100% फ्री रहेगा, यूट्यूब पे हर एक क्लास अपलोड होंगी टोटल। ठीक है, साथ ही में आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, जो बुक है जहां से हम पढ़ेंगे, ये हमारी बुक अपडेटेड है टिल लास्ट अटेम्प्ट, यानी कि नवंबर 2023 के लिए जो पेपर हुआ है सीए इंटर का, वहां तक का क्वेश्चन इसमें अपडेट है। हालांकि जो क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं वो मैं बुक में नहीं डालता, या फिर जो क्वेश्चन बहुत बेसिक है ऑलरेडी बुक में कवर्ड है तो वहां पर रेफरेंस डाल देते हैं, वो क्वेश्चन बुक में नहीं होता, क्योंकि सिमिलर नेचर के बार बार क्वेश्चन डालने लगे तो बुक बहुत ही लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सारे यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे, जो सेम टाइप का क्वेश्चन बस अमाउंट एंड फिगर चेंज करके आया हो वैसे क्वेश्चन नहीं डाले हुए हैं। ठीक, नहीं तो बुक प्रॉपर अपडेटेड है नवंबर 2023 के लिए, सिर्फ सिमिलर नेचर के क्वेश्चन अगर आया तो वो नहीं डाला होगा। ठीक है, बुक की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कहां पे? टेलीग्राम पे। ड्यूरेशन क्या होगा? लेक्चर की ड्यूरेशन होगी डेली का, जो क्लास अपलोड होने वाला है यूट्यूब में। अब यूट्यूब में देखो बहुत लेंदी क्लास नहीं डाल सकते, तो विद इन 2 आवर्स, 1.5 घंटे से लेके 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स के बीच में क्लासेज होंगी। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे के अंदर क्लासेज आपको 7:30 बजे के आसपास यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर क्लासेज की टाइमिंग चेंज होती है आने वाले समय में, हो सकता है 7:30 से इसको 7 बजे कर दूं मैं, तो उस समय 7 बजे का आपको प्रॉपर अपडेट मिलेगा और अगले दिन से 7 बजे आपको क्लासेज मिलेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है ग्रुप टू में FM and SM, वो भी मैं पढ़ाता हूं। जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आधा से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे साथ ही में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो डलेंगी, उसके साथ में स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का जो सेकेंड सब्जेक्ट है एंड ये लास्ट सब्जेक्ट है आपकी ग्रुप टू का। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक, चलो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें से 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा एंड 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू आएगा ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे भी आएंगे एंड कुछ ऐसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्चुअल है वहां से भी पूछ सकते हैं। ठीक, अगर मैं 70 मार्क्स जो सब्जेक्टिव पेपर की बात करूं, जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसकी पैटर्न जो प्रोबेबल है वो ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी होनी चाहिए, ये होगा 20 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स इच। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कितने हो गए, 6 क्वेश्चन एनी 5 आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 से लेके 7 नंबर तक 6 क्वेश्चन और होते हैं जिसमें से एनी 5, यानी कि 1 क्वेश्चन ऑप्शन में आपके लिए आ सकता है, जिसमें से 7 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो थ्योरी से होगा। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये 5 क्वेश्चन होंगे कंटेनिंग 10 मार्क्स इच, तो ये हो गए 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का पेपर आपको ऐसे अटेंड करना है, एक कंपलसरी क्वेश्चन, टोटल 70 मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स का एमसीक्यू। पहले बच्चे समझ के नहीं भी पढ़ते थे, सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन पढ़ लेते थे तो पास हो जाते थे,
क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए पूरी चैप्टर समझ में आए जरूरी नहीं है, तब भी बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन जब से ये एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर दिया, और हाँ एक और चीज आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि आप करोगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, मार्क्स कटेंगे नहीं गलत एमसीक्यू अटेंड करने के लिए, ठीक है। हाँ मैं क्या बात कर रहा था कि एमसीक्यू आने से आपको हमेशा याद रखना है, ये तो पहले भी मैं बच्चों को समझाता था कि आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है। एमसीक्यू बच्चा वही बना सकता है जो चीजों को बारीकी से समझा है, सब्जेक्ट को समझ के पढ़ा है। अगर सब्जेक्ट को समझ के पढ़ोगे तो ऐसे ही आपकी मेहनत अदा हो जाएगा, उस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कम समय देना पड़ेगा कंपेयर टू वो बच्चा जो कि सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ रहा है। तो डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। एक एक कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी 100%, यहां कोई भी आपको कंजूसी नहीं करनी है। मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट एक एक कंसेप्ट आपको समझा के पढ़ाऊंगा, लॉजिक से पढ़ाऊंगा, बिना लॉजिक के एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, एक कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको ध्यान से एक एक कंसेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है YouTube में आप देखो, ये लेक्चर YouTube पे अपलोड हो रहा है, अब YouTube में क्लासेज आपको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में खत्म करने के लिए दो तीन चीज मुझे करनी पड़ेगी। जब मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो होता क्या है, एक बार तो टीचिंग करते टाइम इंसान लिख देता है कंसेप्ट को, एक बार उसको फेयरली लिखता है फिर से बच्चों को नोट्स के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही बार लिखे, पढ़ाते रहे लिखते रहे कि उससे टाइम बचे अपना। दूसरा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सिमिलर नेचर के क्वेश्चन, उसको मैं थोड़ा फास्ट मोड पे करा दूंगा कि आपका टाइम बचे, ठीक। सिमिलर नेचर के क्वेश्चन बार बार पूरा फुल प्ले सोल्व करने से आपका टाइम खराब होगा, मैं फटाफट उसको सोल्व कर दूंगा जो सिमिलर नेचर का या बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो नहीं आने वाला है। जब टोटल लेक्चर अपलोड हो जाएंगे तो उसमें दो एडिशनल लेक्चर लास्ट में आपको मिलेगा, पहला लेक्चर होगा थ्योरी का, यानी कि हर एक चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किन किन पोर्शन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, है ना, किन पोर्शन से थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट लेक्चर, कौन सा थ्योरी, जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल कंसेप्ट से उसका कोई लेना देना नहीं, जो आपको सॉल्यूशन पढ़ाया जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, उसके लिए अलग से पढ़ेंगे, एक लेक्चर लास्ट में वो। सेकेंड एक लेक्चर होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के। अगर मेरी बुक की बात करो तो यहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे मोर देन इनफ। इंस्टीट्यूट की बुक की क्वेश्चन, अगर इंस्टीट्यूट की बुक में 15 क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन भी है, पास्ट में आए हुए क्वेश्चन, पास्ट के आरटीपी, पुराने कोर्स के क्वेश्चन, जो भी यूनिक और बढ़िया क्वेश्चन है ना, जो पूछ चुका है या पूछने की प्रोबेबिलिटी है, सारे क्वेश्चन है इसमें। तो वहां पे क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत लेस एक्सपेक्टेड है, यानी कि वो क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी कम है एग्जामिनेशन में, ठीक। अभी लेक्चर ड्यूरिंग द लेक्चर जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें एक आध क्वेश्चन, देखो अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन तो हम यहां करेंगे नहीं, जो भी क्वेश्चन छूट रहा आप कभी मत समझना कि वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, सॉल्यूशन कराया नहीं, हालांकि सॉल्यूशन उसका बुक में है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम लास्ट में, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहां पे करेंगे, ठीक, जो चैप्टर से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, छोटा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ऐसे भी कॉन्सेप्ट आते हैं, ऐसे भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, एंड बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 10 मार्क्स में आने के लिए क्वेश्चन भी तो ऐसा होना चाहिए जो 10 मार्क्स का वेटेज रखता हो, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर बुक में मैंने क्वेश्चन डाला है तो बिना लॉजिक के नहीं डाला, मैं वही क्वेश्चन डालता हूं जो कराता हूं, और बुक में क्वेश्चन है तो पूरी क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन लास्ट के लेक्चर में करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल के, ठीक है। चलो आ जाओ यार, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं मैं अगर, तो यहां पे टोटल चैप्टर्स है 15, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ये है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
थ्योरी चैप्टर है, और जो चैप्टर नंबर 2 से लेके 15 है ना, यानी कि टोटल 14 जो चैप्टर्स हैं, इनमें से थ्योरी भी आता है प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। और ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यहां से सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, चलो ये जो चैप्टर है ये कब कवर होगा बताओ, लास्ट में जब थ्योरी लेक्चर अपलोड होगा तो ये कवर होगा, प्लस इन चैप्टर्स के भी कुछ कुछ कंसेप्ट है जो मैं क्वेश्चन बनाने से रिलेटेड नहीं है, जो बच जाएंगे वो लास्ट में थ्योरी लेक्चर में कवर होंगे। एडिशनल क्वेश्चन में कुछ ऐसे उटपटांग क्वेश्चन करेंगे जो पिछले 10 साल में कभी ना आए हों, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल बुक में है, बुक में है तो इतना याद रखना, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा कभी ना कभी, बुक के क्वेश्चन 100% हमें करने हैं। ठीक है, चलो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 2-4 चीज आपको ध्यान रखना है। अब कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो पूरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना बोल के आगे से मैं कॉस्टिंग बोलूंगा इस सब्जेक्ट को। ठीक, सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है, पहला तो बेसिक टर्म्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन भी तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में देखेंगे, एंड थर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव। ये जो देखो बार बार ये चीजें यूज होती रहेंगी, इसलिए मैं अभी एज ए इंट्रोडक्शन लेक्चर में इसको कवर कर रहा हूं। बेसिक टर्म्स आपको लेक्चर नंबर जब हम थ्योरी का पढ़ेंगे वहां पे मैं आप लोगों को कराऊंगा दोबारा। ठीक है, पर वो वहां पे करने से बेहतर है कि एक बार आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर को समझ के लिए। ठीक, चलो बेसिक टर्म्स की अगर मैं बात करूं, ये पहला टॉपिक है। ठीक, समझना बढ़िया से है। ठीक है, सब चीज पीडीएफ नोट्स में कवर हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं आपको ये बेसिक टर्म्स कहां पे मिलेगा आपको, जब चैप्टर नंबर 1 के पीडीएफ नोट्स आपको अपलोड होंगे, थ्योरी लेक्चर पढ़ाऊंगा दोबारा पढ़ाऊंगा, तो सुनना ज्यादा है, सुनने के साथ साथ अगर आप लिख पाओ तो और बेहतर है। ठीक है, चल एक होता है कॉस्ट, एक होता है कॉस्टिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी। एक होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है कॉस्ट यूनिट। और भी होते हैं, इतने में अपना लेक्चर स्टार्ट होने जितना नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक, चलो कॉस्ट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, सर्विस को डिलीवर करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, जो रिसोर्सेज कंज्यूम्ड होते हैं, उसको कॉस्ट बोलते हैं। मेरे हाथ में ये पेन है, इसका कॉस्ट क्या, टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट, ये इसका कॉस्ट है ना। इसको बनाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज लगे, लेबर लगा होगा, मटेरियल लगा होगा, हो सकता है जहां पे बनता होगा उस फैक्ट्री का रेंट हो गया, पावर हो गया, जितने भी खर्चे लगे, जितने भी रिसोर्सेज कंज्यूम्ड हुए, सारे क्या है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा तरीका क्या है, ये तो एक डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वेदर एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि दूसरा डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और मैंने बोला वेदर एक्चुअल और नोशनल, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इसको बनाने में जितना भी खर्चा हुआ, एक्चुअल खर्चा, इवन नोशनल खर्चा, वो कॉस्ट है इसका। नोशनल खर्चा का मतलब देखो, ये आज से याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग में नोशनल एक्सपेंडिचर का भी कॉन्सेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए जिस बिल्डिंग में बन रहा है, मैंने जिस बिल्डिंग में अपना ये फैक्ट्री खोला है, उस बिल्डिंग मेरे अपनी है,
और बिल्डिंग अपनी है तो वहां पे रेंट तो जा नहीं रहा होगा, है ना। रेंट तो तब पे करते हैं जब आप रेंट पे लोगे, बट स्टिल मैं नोशनल रेंट चार्ज कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये बोल के कि अगर इस बिल्डिंग में मैं नहीं बनाता, कहीं और बनाता तो रेंट पे करता, तो जितना रेंट पे करता उतना नोशनल रेंट मैंने चार्ज कर दिया। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ, ये भी कॉस्ट का हिस्सा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग में हम नोशनल एक्सपेंडिचर का भी कंसेप्ट देखते हैं, जो एक्चुअल में हुआ नहीं है, है ना। कई बार हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी आगे कंसेप्ट देखेंगे, तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड वेदर एक्चुअल और नोशनल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगा, कई बार खर्चा नोशनल भी हो सकता है, हुआ नहीं है, बट स्टिल मैं डिसीजन मेकिंग में कंसिडर कर रहा हूं। ठीक। कॉस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करने को बोलते हैं कॉस्टिंग, है ना। आप मान लो घूमने गए ट्रिप पे, ठीक है, ट्रिप पे जाते हैं ना बच्चे, मनाली गए ट्रिप पे, मनाली ट्रिप का खर्चा निकाल रहे, वो क्या है? कॉस्टिंग। किसी भी चीज का कॉस्ट निकालने को कॉस्टिंग बोलते हैं। प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट, खर्चा पता करना कि कितना लगा। मारुति किस चीज का खर्चा पता करता होगा? जो कार बनाए उस कार में कितना खर्चा लगा, तभी तो पता कर पाएगा कि कितने में बेचू प्रॉफिट जोड़ के, है ना। कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये इससे भी थोड़ा बड़े लेवल पे हो गया। ये एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है कहां से, जहां पे भी अकाउंटिंग आ गया ना, वर्ड अकाउंटिंग, ये कंप्लीट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आइटम, फिर उसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट, एंड एंड कहां पे होता है? एसर्टेनिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है दैट बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। उसके बाद क्या? कॉस्ट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट, एंड सबसे लास्ट में क्या होगा, अंत में अकाउंटिंग प्रोसेस का, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का, एसर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, है ना। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, है ना। एक और पर्पज है, आगे पढ़ेंगे, डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। फिलहाल समझो कि कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस है। कोई खर्चा हुआ, खर्चा रिकॉर्ड करने से लेके, अच्छा मैंने एक बात यूज किया यहाँ पे, सेकेंड स्टेप में मैंने बोला था कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट को हमें क्लासिफाई करना पड़ता है। क्यों क्लासिफाई करना पड़ता है? आगे आप पढ़ोगे, कोई अब नॉर्मल अगर कॉस्ट इनकर्ड हो गया तो उसको प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, वो हमारे लिए नुकसान है, कॉस्टिंग पीएल में डेबिट किया जाता है। तो ये कब पता चलेगा कि डेबिट करना है कि प्रोडक्ट के कॉस्ट में जोड़ना है? ये तब पता चलेगा जब आपको कॉस्ट क्लासिफाई होगा कि ये अब नॉर्मल कॉस्ट है। आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी खर्चा होते हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में जुड़ेगा, पर कंपनी लेवल पे कोई खर्चा हुआ है या कंपनी को कोई पेमेंट करनी पड़ी है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में नहीं आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी टैक्स पे कर दी, है ना। अगर कंपनी टैक्स पे करती है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए टैक्स भी कटाती है, पर उससे इस प्रोडक्ट कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में टैक्स पेड नहीं आएगा, है कि नहीं। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन जरूरी है। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट वर्ड मैंने यूज किया था, स्टेटमेंट में कॉस्ट को प्रेजेंट करना। इसके लिए आप पढ़ो कि कॉस्ट शीट, कि हम कॉस्टिंग निकाल तो रहे हैं, कॉस्ट को कैसे प्रेजेंट करके निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट शीट पढ़ेंगे। लास्ट में एसर्टेनिंग कॉस्ट, ये तो हमारा उद्देश्य है कॉस्ट पता करना, कॉस्ट पता करेंगे तभी तो पता चलेगा इसको बेचू कितने में, है ना। पार्ले जी भी अपनी बिस्किट बनाती होगी तो पहले कोशिश करती होगी ये पता करूं कि बिस्किट बनाने में खर्चा कितना लगा, अगर बिस्किट बनाने में 2 रुपया लगा तो 5 रुपये में बेच रहे हैं, है कि नहीं, प्रॉफिट चार्ज करके। साथ ही में कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये क्यों? जब हमें पता होगा इसका कॉस्ट कितना है तो हम इस पे ध्यान देंगे कि क्या हमारा कॉम्पिटिटर इससे सस्ते में बना रहा है, और बना रहा है तो हम कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वेस्टेज कंट्रोल करेंगे, सस्ती से सस्ती मटेरियल को लेके आएंगे, है ना, लेबर की इफिशियंसी बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्शन इफिशियंसी बढ़ाएंगे, और कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे ध्यान देंगे। पर ये तो तभी पता चलेगा ना जब हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट को पता करेंगे, हमें पता होगा कितना वेस्टेज है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंसी, जहां पे ये टेंसी वर्ड आ जाता है ना, याद रखना ये डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है एप्लीकेशन,
जो अभी तक आपने सुना इसको अप्लाई करना, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो सीखा आपने इसको अप्लाई करना। ये क्या है, एप्लीकेशन नोट्स नहीं भी लिखोगे या जो मैं रिपीट कर रहा हूं उसको लिख लोगे तब भी चलेगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, चैप्टर तो मैं कोई और ही स्टार्ट करने वाला हूं, अभी हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक, कॉस्टिंग का जो टेक्निक है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पूरा प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, टेक्निक पढ़ रहे हैं, इसको अप्लाई करना है किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जब कॉस्टिंग की नॉलेज को यूज करके डिसीजन लेता है ना, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी हो गई वो। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एनीथिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच सेपरेट कॉस्ट इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम कॉस्ट पता कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मेरे एग्जाम्पल में ये पेन का कॉस्ट पता कर रहा था, पेन मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो चीज बनाती है उसके लिए वही कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। लेज बनाने वाली कंपनी के लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट लेज है, क्योंकि वो तो ये पता करेगी ना कि लेज बनाने में कितना खर्चा लगा। जिस भी चीज का हम कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट पता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मारुति बनाने वाली कंपनी को मारुति का कॉस्ट पता करना है ना, सॉरी मारुति तो खुद ही कंपनी है, मारुति की कोई कार बना है तो कार का कॉस्ट पता करना है, तो कार क्या हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मान लो मैं सर्विसेज देता हूँ, टीचिंग देता हूँ, टीचिंग का अगर सर्विस है, मान लो मुझे इसका चार्ज करना है, तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि इस पूरी क्लासेस को रिकॉर्ड करने में, पूरी सेटअप के लिए, जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं इनके लिए कितना खर्चा आता है। ये अगर मैं अपनी सर्विस का कॉस्ट निकालूंगा तो सर्विस क्या हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है यूनिट इन विच कॉस्ट इज एक्सप्रेस, यूनिट इन विच कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस। किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट जिस यूनिट में एक्सप्रेस होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। आप दुकान पे जाते हो, मान लो आप फ्रूट लेने गए, सेव लेने गए, तो क्या बोलोगे, सेव लेने गए तो पर केजी सेव पूछोगे, है ना, एक दर्जन सेव तो नहीं पूछोगे, कैसे केजी है। क्यों, क्योंकि जनरल टर्म्स में हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स है वो पर केजी एक्सप्रेस होता है ना। अगर आप मान लो मोबाइल लेने गए, एक पीस मोबाइल जो वन यूनिट मोबाइल है उसका प्राइस पूछोगे, ये तो नहीं पूछोगे पर केजी मोबाइल का प्राइस कैसे है, क्योंकि मोबाइल कैसे एक्सप्रेस होता है, मोबाइल की कॉस्ट हमेशा पर यूनिट एक्सप्रेस होता है ना। कॉस्ट यूनिट का मतलब किस यूनिट में कॉस्ट को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। पेट्रोल है, पर लीटर आप पूछोगे कि पेट्रोल का प्राइस क्या है, तो पर लीटर पेट्रोल का कॉस्ट एक्सप्रेस होता है, तो उसके लिए कॉस्ट यूनिट क्या है, पर लीटर, है ना। चलो दूसरा मैंने टॉपिक बोला था एक बेसिक प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है, ये देखते हैं। कॉस्टिंग हम पढ़ते हैं सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी, पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉस्टिंग बहुत बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि सामान बन रहा है ना वहां पे, तो इसलिए ज्यादातर एग्जांपल मैं हमेशा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का देता हूँ, ठीक है। पर सर्विस कॉस्टिंग भी आगे पढ़ने वाले, ठीक। चलो मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो डिपार्टमेंट, उससे भी सिंपल बोलूं मान लो ये फैक्ट्री है, यहाँ रॉ मटेरियल आता होगा, फैक्ट्री में काम होता होगा और फिनिश गुड्स निकलता होगा, है ना। अगर लेज बनाने वाली कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे पोटैटो आते होंगे, है ना, ऑयल पोटैटो आते होंगे, ऑयल भी लगता होगा। प्रोसेस में जो भी फैक्ट्री है, जो भी डिपार्टमेंट है, लेबर का भी खर्चा आएगा और ओवरहेड भी लगेगा, फिर जाके फिनिश गुड्स बनेगा, है ना। रॉ मटेरियल तो लगता ही है, जिस मटेरियल से उस गुड्स को बनना है, साथ ही में लेबर यानी कि जहां पे ये बन रहा है वहां पे कारीगर काम करेंगे, सुपरवाइजर काम करेगा, है ना, ये लेबर हो गए। ओवरहेड का मतलब सारे इनडायरेक्ट खर्चे, देखो ओवरहेड चैप्टर भी है, डिटेल में ये चीज पढ़ेंगे, अभी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, पर ये खर्चा करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो पर यूनिट हमें नहीं इनकर्ड होता है, जैसे कि जहां पे बन रहा है उस फैक्ट्री का रेंट हो गया, पावर हो गया, है ना, मशीन वगैरह का डेप्रिसिएशन, है ना,
और साथ ही में और सारे एसेट है उनकी डिप्रिसिएशन, ये सारे क्या है, ओवरहेड। ये इतने खर्चे इनकर्ड होते हैं तब जाके फाइनल प्रोडक्ट लेज निकलता है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में, जैसे हमारा एग्जाम्पल था लेज, पता है मटेरियल तो लगा ही होता है, साथ ही में लेबर भी लगा होता है एंड ओवरहेड का भी खर्चा लगा होता है, तब जाके ये टोटल खर्चे मिलके टोटल कॉस्ट बनता है और हमें पता चलता है कि एक लेज बनाने में 10 रुपया लगा है ना। सिर्फ मटेरियल से नहीं बन सकता, लेबर भी चाहिए और सारे भी इनडायरेक्ट खर्चे करने पड़ेंगे, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। याद रहेगा आपको, ठीक है चलो। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये एक थ्योरी क्वेश्चन भी है जो आ सकता है, पर मैं थ्योरी क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ा रहा। ऑब्वियसली मुझे तो प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करना है तो मैं थ्योरी क्वेश्चन क्यों पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ा रहा हूं हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ये कॉस्ट जो चैप्टर है कॉस्टिंग, ये इसका पढ़ने का उद्देश्य अगर आपको पता चल जाएगा तो कॉस्टिंग पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन पूछेगा कि कॉस्टिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप इजीली लिख सकोगे। ठीक, सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव है एसर्टेनिंग कॉस्ट। हमें कॉस्ट पता करना है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का, इसलिए कॉस्टिंग की जरूरत है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या पता करते हैं, रिकॉर्डिंग से लेके कॉस्ट डिटर्मिनेशन तक, है ना। किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करना है इसलिए कॉस्टिंग जरूरत है। ठीक है, ऐसे ना पढ़ के, ये एज अ क्वेश्चन ना पढ़ के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये पूरी जो बुक है जिसमें जितने भी चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज सीखेंगे, कॉस्ट निकालना। दूसरा, कॉस्ट आ गया ना तो कॉस्ट से ही तो पता चलता है डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, उस प्रोडक्ट को कितने में बेचने हैं अगर मुझे डिसीजन लेना हो, तो ऑब्वियसली मुझे ये तो पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट बन कितने में रहा है ना। कल को मैं बिस्किट बना के बेचना शुरू कर दूं, मैं बिस्किट की फैक्ट्री लगा दूं, बिस्किट अगर बेचना हो मुझे, एक पैकेट बिस्किट मार्केट में कितने में बेचूं, तो मुझे पता होना चाहिए बिस्किट बना कितने में, उसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ूंगा, फिर लंच करूंगा मार्केट में, है ना। कॉस्ट जब निकल जाता है तो अगला हमारा क्या हो जाता है, डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। कि सेलिंग प्राइस भी तो तभी पता चलेगा ना, है ना। अगला ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में समझेंगे, पर समझो दोनों का कहने का उद्देश्य यही है कि कॉस्ट कंट्रोल किया जाए एक बेंचमार्क सेट करके। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, ठीक, ज्यादा से ज्यादा अपनी इफिशियंसी को ठीक करके पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब आपको एक्चुअल कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है पता होनी चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड होगा तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें वेस्टेज कितना है, हमारे कॉम्पिटिटर कितने में बना रहे हैं, फिर आप कॉस्ट को कंट्रोल या रिड्यूस कर सकते हैं अपने ऊपर काम करके, वेस्टेज के ऊपर काम करके, प्राइस के ऊपर काम करके, इफिशियंसी के ऊपर काम करके। पर उसके लिए कॉस्ट, ये प्राइमरी जो सर्टेनिंग कॉस्ट, ये तो मेन इंग्रेडिएंट है। कॉस्ट पता होने के बावजूद ही अगला स्टेप हम सेलिंग प्राइस पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि क्या ये महंगे में बन रहा है प्रोडक्ट हमसे, या और हमें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी और हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक, लास्ट एक और चीज के लिए पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। कॉस्टिंग का नॉलेज होने से बहुत सारे डिसीजन मेकिंग अभी हम सीखेंगे, उन्हीं में से एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो शटडाउन। आगे ये चैप्टर में आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग एक चैप्टर है जहां पे मैं पढ़ाऊंगा शॉट डाउन लेवल, शॉट डाउन पॉइंट, कि किसी भी मान लो एंटरप्राइज है, कोई एंटिटी है, उसको शॉट डाउन करे या ना करे, कितना तक अगर वो सेल करेगा तो कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं तो शट डाउन कर देना चाहिए। दूसरा, फर्दर प्रोसेसिंग। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट चैप्टर है आपके सिलेबस में ही है, उसमें हम फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस से बन के निकला है तो फर्दर प्रोसेस करें कि उसी स्टेज पे बेच दें। थर्ड, की फैक्टर।
लिमिटेड अगर रिसोर्सेज हो तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में दो या दो से ज्यादा अगर हम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कौन सा किस चीज की प्रोडक्शन पहले हमें करनी चाहिए। ये लिमिटेड फैक्टर की डिसीजन, लिमिटिंग फैक्टर, की फैक्टर, ये भी एक डिसीजन मेकिंग है। तो कॉस्टिंग पढ़ने के बाद ही ये चीज आएगी ना आपको, है ना। तो ये पूरी बुक में हम सिर्फ मेनली आपको बोलूं तो तीन ही चीज पढ़ने वाले। नंबर वन कॉस्ट निकालना, है ना। नंबर दो, अब कॉस्ट निकालोगे तो सेलिंग प्राइस तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। नंबर टू डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे डिसीजन लेने का हम सीखेंगे। एंड नंबर थ्री कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब जब जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए पढ़ रहे हैं, ये हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, है ना। चलो समझ में आया क्या, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है पहला, मैं कोशिश करता हूं आपको प्रैक्टिकल चैप्टर जो एकदम बढ़िया है, आपका चैप्टर नंबर टू है आपके इंस्टीट्यूट की बुक में मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट करने का। मटेरियल कॉस्ट सबसे पहले इसकी कवरेज देखो, एक तो हम सीखेंगे मटेरियल कॉस्ट निकालना एंड इट्स एलोकेशन। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने कहीं पे भी लेक्चर नहीं लिया है ना, इतनी डिटेल में पढ़ोगे और इतनी सिंप्लीफाइड वे में पढ़ोगे कि आपको यूट्यूब से ही कंप्लीट हो जाएगा, कहीं और आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आपने कहीं और पढ़ लिया है फिर भी मेरा लेक्चर यह आपको मिला और आप देख रहे हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो कंसेप्ट कहीं और क्लियर नहीं हुआ है ना वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही में जो डेप्थ से मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा पेशेंस रखना, अच्छा चीज सीखने में डिटेल में सीखने में समय लगता है पर एमसीक्यू के लिए और जब क्वेश्चन मुश्किल आ जाए आपको डिटेल नॉलेज ही काम आएगा, ठीक। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक मिनट भी व्यर्थ ना जाए, मैं कोई भी ड्यूरिंग द क्लास चुटकुले नहीं सुनाता, किसी को कॉमेडी नहीं करता, मुझे ये सब आता भी नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ाता हूं। बट थोड़ा अगर टाइम लगे तो आप पेशेंस रखना, चीजों को समझो पढ़ो, तब जाके 100 में से 99 आते हैं। उसके लिए बेहद जरूरी है कि चीजों को समझ के पढ़ो। खराब परिस्थिति में भी अगर पेपर निकालना है, बढ़िया से बढ़िया अचीव करना है तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, कोई कुछ भी बोल दे, समरी पढ़ के और फटाफट कंसेप्ट को पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, एक मुश्किल क्वेश्चन आएगा आपसे मिस्टेक हो जाएगा। तो चीजों को तो डिटेल में, दो क्वेश्चन कम करो लेकिन जब पढ़ रहे हो ना उस चीज को इतनी गहराई में पढ़ो कि मजा आ जाए, ठीक। मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन दूसरा टॉपिक है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स। अब देखो कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक में ना दो टाइप के टेक्निक होते हैं, कुछ टेक्निक है जिसपे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल लिख देता हूं, और कुछ टेक्निक है जिसपे कंप्लीटली एकदम थ्योरी क्वेश्चन ही बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते ही नहीं है तो क्या पूछेगा एग्जाम में। थर्ड जो टॉपिक है मटेरियल लॉस, इसका ट्रीटमेंट। मटेरियल लॉस में पांच फेमस टाइप का लॉस है जो आपको पढ़ने हैं। एक नंबर वेस्टेज, दूसरा नंबर स्क्रैप, थर्ड नंबर स्पॉयल, चौथा डिफेक्टिव और पांचवा ऑब्सोलेस। इसको आप ऑब्सोलेट आइटम भी बोल सकते हो। चलो जिसमें से यहां से प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन आते हैं प्लस थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं। यहां से जो प्रैक्टिकल पॉइंट आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, जो थ्योरी पॉइंट आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, और ये इससे थ्योरी क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहां से जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा भले ही थ्योरी कवर करना हो लेकिन ये तो मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कवर हो जाएंगे। इस टेक्निक में से ये जो प्रैक्टिकल टेक्निक है ये हम पढ़ेंगे, अभी थ्योरी लेक्चर में नहीं जाएगा पर जो कंप्लीटली थ्योरिटिकल है वो थ्योरी लेक्चर में पढ़ेंगे। मटेरियल लॉस, अब मटेरियल लॉस का जो टॉपिक है ये है तो थ्योरिटिकल तो थ्योरी लेक्चर में कवर करेंगे। तो थ्योरी लेक्चर में मटेरियल से रिलेटेड क्या पढ़ने वाले हैं, एक नंबर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक जो थ्योरी है जिसपे थ्योरी मार्क्स थ्योरी पूछ सकता है ना।
दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस जो कि थ्योरी है, दो चीज प्रैक्टिकल में क्या पढ़ेंगे, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने की बहुत सारे प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड साथ ही में कॉस्ट एलोकेशन। ठीक, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। चलो पहले लिख लो फिर एक बढ़िया बात बताता हूं। इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो, दूसरा है इन्वेंट्री लेबल्स, थर्ड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, चौथा है स्टोर लेजर। देखो स्टोर लेजर कोई टेक्निक नहीं है कॉस्ट कंट्रोल करने का, कॉस्ट कंट्रोल करने के टेक्निक में एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसी का हिस्सा है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर किसका हिस्सा है? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसका जो स्टोर लेजर वाली पोर्शन है यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो प्रैक्टिकल में मैंने रखा है। लास्ट एक एबीसी एनालिसिस होता है, यहां से आएगा। थ्योरी में क्या टॉपिक बनते हैं, ये पूरी चैप्टर का ओवरव्यू है, ध्यान से सुनना, इससे बाहर चैप्टर है ही नहीं। ठीक, थ्योरी में क्या बनता है, तो थ्योरी में सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम प्लान, टू बीन सिस्टम, ऑर्डर, साइक्लिंग पीरियड, जस्ट इन टाइम, पांचवा नंबर फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम एनालिसिस, छह नंबर वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल आइटम एनालिसिस एटीसी। ये कुछ थ्योरी टॉपिक बनते हैं, बहुत सारे तो इरेलीवेंट भी है पर आपको पढ़ना सब चाहिए। ठीक, जैसे आप अपनी बुक में देखोगे तो मैक्सिमम मिनिमम प्लान दिया ही नहीं है इंस्टीट्यूट की बुक में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, हो सकता है ऑर्डर साइक्लिंग भी ना दिया हो, आई डोंट नो दिया है नहीं दिया है, ऑर्डर साइक्लिंग के बारे में शायद दिया ही होगा। चलो ये आपका मटेरियल कॉस्ट चैप्टर का टोटल ओवरव्यू। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक मैंने ऊपर क्या पढ़ाया था, कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पढ़ने वाले हम मटेरियल कॉस्ट में, देखो सेम चीज अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले तो हम मटेरियल कॉस्ट निकालना सीखेंगे, एसर्टेन द कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए हमें पता होनी चाहिए मटेरियल कितना का लगा है इसमें। दूसरा कॉस्ट कंट्रोल करने का टेक्निक सीख तो रहे, इतने सारे टेक्निक, कुछ तो प्रैक्टिकल है कुछ थ्योरिटिकल है, समझ के पढ़ोगे रियल लाइफ में इसको यूज कर पाओगे। तो कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, कॉस्ट निकालना और कॉस्ट कंट्रोल करने का टेक्निक इसी में पूरी सिलेबस है। ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस, मटेरियल लॉस का ट्रीटमेंट सीखेंगे तो ये भी सीखेंगे कि मटेरियल लॉस को कम से कम करना चाहिए कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके और हो जाता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ठीक, चलो पहला टॉपिक उठा रहा हूं इस चैप्टर का, हमारा फर्स्ट चैप्टर है YouTube बैच के लिए मटेरियल कॉस्ट, पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक जा रहे हैं करने मटेरियल कॉस्ट का, क्या है मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। ठीक, जब मैंने ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस बताया था तो मैंने आपको बताया था किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा लगता है, शॉर्टकट में लिखते हैं मटेरियल को डीएम कर दो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर का खर्चा लगता है डायरेक्ट लेबर एंड साथ ही में ओवरहेड का खर्चा लगता है, फिर ये खर्चे को जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, है ना, और इसमें थोड़ा प्रॉफिट अपना चार्ज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगी भाई सेलिंग प्राइस कितना रखना है मुझे उस प्रोडक्ट का। करेक्ट, पर फिनिश गुड्स में जब जो मैं फिनिश गुड्स बना रहा हूं उसमें मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, इसके लिए जरूरी है ना कि मुझे मटेरियल कॉस्ट पता हो। एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, मान लो एक यूनिट का कॉस्ट निकाल रहा हूं तो रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड होता है एक यूनिट बनाने में इनटू कॉस्ट पर यूनिट, तभी तो आएगा। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पता होगा तभी हम मटेरियल कॉस्ट को चार्ज कर सकते हैं फिनिश गुड्स पे। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालना सीखेंगे एंड ये निकालने के बाद हम मटेरियल कॉस्ट इजली चार्ज कर सकते हैं फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स पे मटेरियल का कॉस्ट डालेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगा, है ना। चलो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं,
इसके लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखो, समझो पहले। मान लो यहाँ पे एक कंपनी का स्टोर है। स्टोर का मतलब ऐसा जगह जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस है। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब जहां पे प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री बोल दो, डिपार्टमेंट बोल दो, प्रोसेस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्टिंग में ये सारी लैंग्वेज चलते हैं। ये हमारा सप्लायर, देखो अगर मुझे यहाँ पे गुड्स जब भी प्रोडक्शन को जरूरत पड़ती होगी तो स्टोर से मैं इश्यू करके भेजता होगा, लेकिन सप्लायर से गुड्स तो स्टोर पे आते होंगे जब भी हम परचेज करते होंगे, है ना। स्टोर में जो मटेरियल है इसका हम देखने जा रहे हैं कि कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ेगा, इस मटेरियल का कॉस्ट क्या पड़ा कंपनी को, ठीक। क्योंकि ये कॉस्ट पता होगा तभी हम फिनिश गुड्स पे उस कॉस्ट को चार्ज कर सकते हैं कि फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल का खर्चा कितना लगा है, ठीक है। चलो, मटेरियल कॉस्ट शैल इंक्लूड, मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे एक नंबर परचेज प्राइस। परचेज प्राइस तो इंक्लूड करते ही है, सप्लायर से जितने में खरीदा उतना। साथ ही में ऑल अदर कॉस्ट, सुनना ध्यान से, इसको आप कभी भी लिख सकते हैं, एक बार आप समझ गए तो। ऑल अदर कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल या दैट आर नेसेसरी टू ब्रिंग मटेरियल टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। परचेज किया तो परचेज प्राइस के साथ साथ ये प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, हमारे केस में क्या है, स्टोर, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जिस कंडीशन में स्टोर करते हैं, जिस लोकेशन पे स्टोर करते हैं, वहां तक मटेरियल को ले आने में जितने भी खर्चे हुए सारे मटेरियल कॉस्ट में आप जोड़ोगे। तो परचेज प्राइस तो हुआ ही, साथ ही में मान लो लोडिंग का खर्चा लगा, यहाँ पे अनलोडिंग का खर्चा लगा, रास्ते में फ्रेट लगा, टोल चार्जेस लगे, इंश्योरेंस लगा, हो सकता है किसी कमीशन के थ्रू मटेरियल हमने लिया तो कमीशन ब्रोकरेज पे करना पड़ा, सारे ही मटेरियल कॉस्ट में जोड़ोगे। क्योंकि मटेरियल कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आता, ऑल अदर कॉस्ट दैट आर नेसेसरी टू ब्रिंग मटेरियल टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जहां पे मटेरियल रखा जाता है, जिस कंडीशन में रखा जाता है, वहां तक ले आने के लिए जितने भी खर्चे होंगे मटेरियल कॉस्ट में जुड़ता है, ठीक। मान लो आप खरीदने गए और डिस्काउंट दे दिया सप्लायर आपको, है ना, क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हैं, क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो कई बार डिस्काउंट मिल जाता है, तो परचेज में से घटाओगे, परचेज प्राइस में से, उस वो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। कोई भी ऐसी टैक्सेज जो आपको पे करनी पड़ी उस मटेरियल पे और जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट नहीं देने वाली है, यानी कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, आपको पता होनी चाहिए कि कई बार हम जब टैक्स पे करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, आगे जब उसको सेल करते हैं तो उसकी क्रेडिट मिल जाती है, पर कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन में ही मिलती है, आम इंसान को क्रेडिट नहीं मिलती, सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, इनवॉइस होनी चाहिए। तो कुछ कंडीशन है, क्वेश्चन आपको क्लियरली बोलेगा क्रेडिट अवेलेबल है नहीं है। मान लो क्रेडिट नहीं मिल रहा तो टैक्स पे किया वो भी मेरा खर्चा है, वो भी मटेरियल कॉस्ट में जोड़ूंगा, पर क्रेडिट मिल रहा है यानी कि आगे सरकार इस जो टैक्स पे किया इसका क्रेडिट दे देगी, जब मैं टैक्स भरूंगा तो उस समय मुझे इसकी क्रेडिट देगी, तो उस समय ये मेरा कॉस्ट हुआ ही नहीं, इतना तो मुझे सरकार से क्रेडिट मिल जाएगा ना, ठीक है। तो जब भी नॉन रिफंडेबल टैक्स हो या जिसकी क्रेडिट अवेलेबल ना हो वो मटेरियल कॉस्ट में जुड़ता है, ठीक। साथ ही में कोई भी अबनॉर्मल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। अबनॉर्मल जो भी कॉस्ट है हम कॉस्टिंग पीएल में डालते हैं, डेबिट करते हैं कॉस्टिंग पीएल में, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा कभी नहीं बनता। लाइफ में गांठ बांध लो, जब तक कॉस्टिंग पड़ोगे तब तक याद रखो। फॉर एग्जाम्पल कोई फाइन पे करना पड़ा हमें, ठीक, कोई पेनल्टी पे करनी पड़ी, डिमरेज पे करना पड़ा। डिमरेज का मतलब कई बार हमें ट्रांसपोर्टेशन में डिले करते हैं तो ट्रांसपोर्टर को भी एडिशनल एज अ फाइन पे करना पड़ता है, उसको डिमरेज बोलते हैं। तो इसको ये भी एक अबनॉर्मल कॉस्ट है, हम मटेरियल कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए यहां से लिखो, कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगे परचेज प्राइस, उसमें से घटाओगे ट्रेड डिस्काउंट, इसको वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोल सकता है या कई बार रिबेट ऑन परचेज भी बोल सकता है, ठीक है। टैक्सेस जोड़ोगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जोड़ोगे जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, ये क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा, नहीं तो आप एज्यूम कर लेना, ठीक। एक बात बताओ, कई बार फॉरेन से गुड्स आते हैं तो वहां तो कस्टम ड्यूटी भी लगता है
और साथ ही में जब गुड्स इंडिया में इंटर होता है तो उस पे जीएसटी भी लगता है, तो दो दो टैक्सेस लग गए। तो चलो मान लो फॉरेन से आया तो कस्टम ड्यूटी भी आ गया, कस्टम ड्यूटी कुछ है तो वो भी जोड़ोगे, ये आया। फिर उसके बाद जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, इसको बोलते हैं बच्चे टोटल परचेज प्राइस। जो टैक्सेस है ना, जो भी टैक्सेस है और जो ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट घटा और टैक्सेस जुड़े, ये परचेज प्राइस के ही हिस्सा है, परचेज प्राइस में ही एडजस्टमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं टोटल परचेज प्राइस। देखो कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी या फिर कोई अदर टैक्स कब जुड़ोगे कॉस्ट में, जब नॉन रिफंडेबल हो, या फिर इसी को क्या बोलेगा क्रेडिट नॉट अवेलेबल, स्लैश करके लिख लो, जब नॉन रिफंडेबल हो, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला, परचेज प्राइस तो साथ ही में ऑल अदर कॉस्ट दैट आर नेसेसरी टू ब्रिंग मटेरियल टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, स्टोर तक लाने में जितने भी खर्चे लग रहे हैं सारे खर्चे जोड़ो, इनको क्या बोलते हैं अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसके जैसे कि एग्जाम्पल हो गए ब्रोकरेज, कमीशन, टोल, कई बार हमें पे करना पड़ता है लेके आते हैं तो रोड पे हाईवे पे लगता है ना, फ्रेट हमें पे करना पड़ सकता है ट्रांसपोर्टर को, ट्रांजिट में कई बार इंश्योरेंस करानी पड़ सकती है, हो सकता है हमें लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर को पैसा देना पड़ा, ठीक है। जो भी है ये सारे खर्चे जोड़ोगे यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। मान लो 10,000 केजी हम लोग लेके आ रहे हैं, 10,000 केजी का टोटल कॉस्ट निकालना हो तो ये सारे खर्चे जोड़ेंगे और ये आ गया टोटल कॉस्ट। अभी हमें निकालना है पर केजी कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है, लेकिन पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे फिर पर यूनिट कर देंगे। अगर कॉस्ट पर यूनिट लेना हो तो टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस, अभी लिख लो, इसके आगे समझाने वाला हूं नोट्स में, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स माइनस प्रोविजन प्रोविजन फॉर नॉर्मल लॉस, ठीक। तो ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब आ जाओ नोट्स पे, अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, लिखते जाओ। सबसे पहला नोट्स, अगर कोई फी है, पेनल्टी है, फाइन है, डेमरेज है, तो क्या ये कॉस्ट में जुड़ते हैं? नहीं जुड़ते, ये अबनॉर्मल कॉस्ट है, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में ऊपर नहीं जोड़ेंगे। दूसरा कॉस्ट ऑफ कंटेनर, देखो बच्चे कई बार क्या होता है ना कि कोई गुड्स हमें कंटेनर में लेके आना होता है, यानी कि नॉर्मली नहीं ले आ सकते, उसके लिए स्पेशल पैकिंग या स्पेशल कंटेनर की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। अगर कंटेनर रिटर्नेबल है, यानी कि जो हमने पे किया वो रिफंडेबल है, कहने का मतलब मान लो 1,000 रुपया देके मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, गुड्स अपना ले आया, कंटेनर रिटर्नेबल है यानी कि रिटर्न करके वो पैसा मुझे मेरा रिफंड मिल जाएगा, तो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, Not to be included in material cost। मान लो वो नॉन रिटर्नेबल है, कंटेनर में 1,000 रुपया देके लेके आया पर रिटर्न नहीं कर सकता, तो वो भी मेरा खर्चा ही एक किस्म का, मटेरियल कॉस्ट में जोड़ेंगे यहां पे, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर, ठीक है, इसको क्या करेंगे मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे। एक होता है पार्टली रिफंड, मान लो आपका कॉस्ट कितना था, 1,000 देके आप कंटेनर लेके आए, ठीक है, 1,000 डिपॉजिट, बाद में आपको रिफंड पता है कितना मिला, 800 रुपया, कितना नहीं मिला, 200 रुपया, ये आपका कॉस्ट है ना,
पार्टली रिफंड के केस में जो नॉन रिफंडेबल पोर्शन होता है वो अपना कॉस्ट होता है। 1,000 रुपया मैंने दे के कंटेनर लेके आया, जब उसको रिटर्न कर रहा हूं तो 800 ही मिला, तो 200 जो नहीं मिला वो मटेरियल कॉस्ट में जोड़ूंगा। ठीक है, चलो थर्ड नोट्स लिखो मटेरियल लॉस के बारे में। मेरे दोस्त, मटेरियल लॉस एक और जगह मैंने लिखा है यहां पे, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस, ये तो डिटेल में पढ़ेंगे पढ़ेंगे, एक ओवरऑल मटेरियल लॉस का ट्रीटमेंट अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। मटेरियल लॉस दो किस्म का हो सकता है, एक नॉर्मल और एक अबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस विच इज इनहेरेंट टू द नेचर ऑफ बिजनेस, नोट्स में लिखा हुआ है, डोंट वरी, लिख लो तो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ नोट्स में जितनी जरूरत की चीजें वो लिखा हुआ है। हालांकि जो ड्राइंग और जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं वैसे ड्राइंग आपको नहीं मिलेगा, पीडीएफ में प्रॉपर नोट्स बने होंगे। इनहेरेंट टू नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस करोगे तो ये होते ही होते नॉर्मल है, बिजनेस में इतने होते हैं नॉर्मल लॉस। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरिसेबल आइटम का गुड्स का डीलर के लिए कुछ आइटम तो खराब भी हो जाते होंगे, उसके लिए नॉर्मल लॉस है। ब्रेक होने वाला आइटम है, इवापोरेट होने वाला आइटम है, तो कुछ इवापोरेट हो जाएंगे, वो नॉर्मल लॉस है। कुछ प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस हो जाता है, कई बार हमें पता होता है कि हम कितना भी बनाए 5% तो हमारा नुकसान हो ही जाता है, वो नॉर्मल लॉस है, इनहेरेंट है। इसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल इन नेचर, अवॉइड नहीं कर सकते, अब चाह के भी बच नहीं सकते, ये बिजनेस करेंगे इतना होगा। ये क्या है, ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस। है ना, मान लो प्रोसेस में 1,000 यूनिट डालता हूं मैं और उसमें 50 यूनिट लॉस हो जाते हैं, ठीक है, 5% लॉस हो जाते हैं, ये नॉर्मल लॉस। एक बार 1,000 यूनिट डाली, 200 यूनिट लॉस हो गया, तो 50 यूनिट तो नॉर्मल लॉस था, 150 जो एडिशनल लॉस हो गया क्या, वो अबनॉर्मल लॉस है, ओवर एंड ओवर अबनॉर्मल लॉस। ये अवॉइडेबल होते हैं, अवॉइडेबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी कारण से होते हैं, किसी घटना की वजह से होते हैं, अवॉइड किया जा सकता है, वो घटना ना हो, वो कारण ना हो, तो ये लॉस ही ना हो। समझ में आ रहा है क्या, तो ये अवॉइडेबल। ट्रीटमेंट की बात करूं, ऑब्जर्व बाय गुड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ऑब्जर्व बाय गुड यूनिट, यानी कि गुड यूनिट पे इनका कॉस्ट चार्ज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो समझ में आएगा, टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस यूनिट जब मैंने घटा दिया तो यूनिट कम हो गए, पर यूनिट प्राइस बढ़ गया, तो पर यूनिट प्राइस बढ़ गया मटेरियल कॉस्ट का, तो यही तो चार्ज होगा यूनिट पे जो फिनिश गुड्स बनेंगे, तो ऑलरेडी पर यूनिट प्राइस इन्फ्लेट करके हम फिनिश गुड्स पे वो लॉस को चार्ज कर दिए, तो नॉर्मल लॉस हम हमेशा जो बचे हुए यूनिट है ना उसको बेच के रिकवर करते, क्योंकि नॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट उन्हीं में जुड़ा होता है। अब देखो, जब कॉस्ट गुड यूनिट पे चार्ज कर रहे हैं तो उससे मान लो नॉर्मल लॉस कई बार हो जाता है, सस्ते में वो बिक भी जाती है, थोड़ा रिकवरी हो गई, तो कॉस्ट से घटानी भी पड़ेगी ना, अगर यूनिट यूनिट से घटा रहे हो तो उसकी रिकवरी टोटल कॉस्ट से घटाओ। अब नॉर्मल लॉस है, इसका ट्रीटमेंट बताओ। तो सर, अब नॉर्मल लॉस क्या है, अब नॉर्मल लॉस तो अवॉइडेबल इन द नेचर, हमारी किसी गलती से होती है, ये हमारे लिए नुकसान है, डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप हमेशा अकाउंट में पढ़ते हो ना, लॉस शैल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट, यहाँ दो किस्म का पीएल पढ़ते हैं, तो कॉस्टिंग पीएल जो सिर्फ प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, एक होता है नॉर्मल पीएल, प्रोडक्ट तो है ही प्लस और भी कंपनी के जो खर्चे और इनकम है वो भी जोड़ के जो टोटल ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताती है वो जनरल पीएल है। और कॉस्टिंग पीएल मतलब जो सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा, प्रोडक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू डाल के जो हम पीएल बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉस्टिंग पीएल, डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल हमारा नुकसान है। ठीक, चलो एक और लास्ट नोट्स लिखो कैश डिस्काउंट का, मुझे बताने की जरूरत नहीं बट तब भी लिख लो। देखो, डिस्काउंट जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट जिसको वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पता है कब मिलता है आपको, एट टाइम ऑफ परचेज, इट इज नेगोशिएटेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, पर कैश डिस्काउंट नेगोशिएट होता है एट टाइम ऑफ पेमेंट, ये इनका डिफरेंस है।
मैं एक सामान खरीदने गया, दुकान पे रिक्वेस्ट किया दुकानदार से और सस्ते में लेके आया, ये ट्रेड डिस्काउंट है। एक तो नेगोशिएशन से ट्रेड डिस्काउंट मिलती है और सही कई बार वॉल्यूम की वजह से भी मिलती है, इसलिए वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं। एक दुकान में सामान खरीदने गया, वहां पे मैं ज्यादा वॉल्यूम में खरीद रहा हूँ, रिक्वेस्ट किया, डिस्काउंट मिल गया। परचेज के टाइम में जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। क्या करते हैं इसका ट्रीटमेंट? एडजस्टेड इन परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर परचेज करके ला रहा हूं तो परचेज प्राइस में एडजस्ट कर दूंगा, डिस्काउंट मिला घटा के परचेज प्राइस दिखाऊंगा। मान लो मैं बेच रहा हूं और कस्टमर ने मेरे से डिस्काउंट ले लिया तो मैं अपनी सेल्स में से घटाऊंगा। ठीक है, सेल में से घटाएंगे। अगर सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट दिया, परचेज करते टाइम हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला तो परचेज प्राइस में से घटाएंगे। कैश डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? ये तो पीएल में जाने वाली आइटम है, सेपरेट इनकम, ये डबल एंट्री में रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री, ठीक है, सेपरेटली कैश डिस्काउंट को अगर हमें मिला तो इनकम है, हमने किसी को कैश डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए लॉस है, इसको हम अपनी अकाउंटिंग में लेते हैं। ये लेकिन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में नहीं लेते, सीधा परचेज या सेल में ही एडजस्ट करके नेट ऑफ डिस्काउंट दिखाते हैं। इसीलिए जब ट्रेड डिस्काउंट है तो मैंने परचेज प्राइस में से घटाया, यही कैश डिस्काउंट बोलता तो मैं नहीं घटाता, क्योंकि कैश डिस्काउंट घटाते नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कोई कैश डिस्काउंट मिलता तो मैं यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट में नहीं घटाता, कैश डिस्काउंट अलग से पीएल में जाता, एज इनकम जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, डबल एंट्री का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे नहीं आता। समझ में आया क्या? अब इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है ही, एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, सुनना कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। बोला कि हम फ्लोइंग आइटम दे रहे हैं, आप बताइए परचेज प्राइस में का हिस्सा है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का हिस्सा है या फिर इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मटेरियल कॉस्ट। और उसमें एक पॉइंट था फाइन एंड पेनाल्टी, इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, है ना, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट, है ना, इसमें आपको डालना था। एक आइटम था ब्रोकरेज एंड कमीशन, तो आपको क्या लिखना था कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। एक आइटम था ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में आपको क्या लिखना था, टोटल परचेज प्राइस का हिस्सा है। एक आइटम था जीएसटी, जिसका नॉन रिफंडेबल है, आप रिफंडेबल हो ना रिफंडेबल हो, ठीक है, ये तो हम तय करते हैं कि नॉन रिफंडेबल है तो कॉस्ट में जुड़ेगा, और जुड़ेगा भी तो ये परचेज प्राइस का ही हिस्सा माना जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ टोटल परचेज प्राइस। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में ये आते हैं जो वो खर्चे हैं जो प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में हुए। परचेज प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट घटेगा और टैक्सेस जुड़ेंगे, तो वो दोनों ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस परचेज प्राइस के हिस्सा है। और कुछ ऐसे खर्चे जो आते ही नहीं है मटेरियल कॉस्ट में, वो हमारे लिए वो खर्चे क्या है तो नुकसान, जाएंगे कॉस्टिंग पीएल में लेकिन मटेरियल कॉस्ट में नहीं आएंगे। मटेरियल कॉस्ट में आए तो प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगा, और अब नॉर्मल खर्चा कभी भी प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि ये तो आपने इनकर्ड किया है, आपके कंपटीटर ने थोड़ी ना अबनॉर्मल कॉस्ट इनकर्ड किया होगा। आप अपने पे चार्ज करोगे, वो अपने पे चार्ज करेगा ही नहीं, तो उसका गुड्स सस्ता होगा, आपकी गुड्स महंगी हो जाएगी, आप कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए कभी भी अबनॉर्मल कॉस्ट को प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनाते, नहीं तो प्रोडक्ट कभी भी प्राइस कंपेयर करे, कॉस्ट कंपेरिजन करे तो कॉम्पिटेटिव नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ जरा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। चलो, जो बुक है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जैसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये इसी टॉपिक के अंदर दिखेगा। जैसे स्टडी मटेरियल में आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन हटा दिया इंस्टीट्यूट ने, बट स्टिल मैंने इंक्लूड किया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहले स्टडी मैट में था, अभी नहीं है आप लोगों का। साथ ही में और भी क्वेश्चन जो मैंने खुद से डाले है, बढ़िया क्वेश्चन है, पास्ट में आए हुए क्वेश्चन है आरटीपी में, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। चलो, और मैं आपको बता दूं ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये डेफिनेटली एग्जाम में नहीं आने वाले। चलो, एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट केमिकल ए एंड बी हैज बीन प्रोवाइडेड, केमिकल ए इतने का, केमिकल बी इतने का, उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा 10%, क्रेडिट नॉट अलाउड, यानी कि कॉस्ट में एड होगा। ये रहा कैसे, देखो 1 लाख पे 10% लगा होगा 1,000, 1,04,000 पे लगा होगा 10, सॉरी 1 लाख पे 10% लगा होगा 10,000,
1,04,000 पे लगा हुआ 10,400, दोनों को जोड़ दोगे 20,400 आएगा, और रेलवे फ्रेट लगा इतना, टोटल ये बना, ठीक है। शॉर्टेज है 500 इन केमिकल ए एंड दिस मच इन केमिकल बी ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज, ये नॉर्मल लॉस है, कोई बात नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेट पर केजी, कॉस्ट पर यूनिट बोल रहा है निकालिए, एज्यूमिंग 2% फर्दर डेट्रिएशन, ये क्या है, प्रोविजन फॉर नॉर्मल लॉस, ठीक है। चलो यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, मान लो ये क्वेश्चन को ऐसा ट्विस्ट कर दे इंस्टीट्यूट कि ये 10% ना देता, ठीक है, आपको ये तो लिखा होता क्रेडिट नॉट अलाउड, पर ये 10% नहीं लिखता, ठीक है, तो ये ए और बी में कैसे बांटते, अभी तो 10% निकाल दोगे दोनों का तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये ए और बी में बांटते वैल्यू के बेसिस पे, ये जो इनकी अमाउंट है इसके बेसिस पे, क्यों, हमेशा देखना मैक्सिमम टैक्स जो एड वोलरम बेसिस पे लगते हैं, यानी कि कितने आइटम का, कितने वैल्यू का आइटम है उस पे लगता है रेट, है ना, क्वांटिटी बेसिस पे टैक्स कम ही होते हैं। रेलवे फ्रेट दिया, ये दोनों में बांटना पड़ेगा, ये तो दोनों का कंबाइन दिया है, ए और बी में कैसे बांटोगे, क्वांटिटी के बेसिस पे, क्यों, अरे फ्रेट में जो भाड़ा लगता है वो जितना ज्यादा सामान जिस क्वांटिटी का होगा उसका उतना ही भाड़ा होगा, जो कम सामान होगा उसका उतना ही कम भाड़ा होगा, है ना, तो चाहे कोई टैक्सेस दे दे, इंश्योरेंस दे दे, इंश्योरेंस भी देखना हाई वैल्यू आइटम का इंश्योरेंस ज्यादा होता है, लो वैल्यू आइटम का इंश्योरेंस कम होता है ना, तो टैक्सेज इंश्योरेंस ये वैल्यू के बेसिस पे बांटते हैं प्रोडक्ट में, एंड जो फ्रेट वगैरह है ये कैसे, क्वांटिटी के बेसिस पे बांटते हैं, तो फ्रेट हम क्वांटिटी के बेसिस पे बांट देंगे ए और बी में, क्वांटिटी रहा ये, है ना, एंड ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ये तो 10% रेट दिया था, 10% सीधा निकाल दोगे तब भी चलेगा, नहीं दिया होता रेट तो वैल्यू के बेसिस पे बांटते 1,00,000 और 1,04,000 के रेशियो में। चलो लिखोगे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर केजी, ठीक है, दो प्रोडक्ट है ना, एक ए और एक बी, परचेज प्राइस है 1,00,000, 1,04,000, बेसिक कॉस्टम है एट द रेट 10%, तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 10,400, फ्रेट है रेलवे फ्रेट है तो रेलवे फ्रेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेट कितना है 3840, किस रेशियो में बांटना है, क्वांटिटी यानी कि 10,000 और 8,000 के रेशियो में, तो 10:8 के रेशियो में बांटोगे, 3840 डिवाइड बाय 18, तो इसमें आ जाएगा 2133, दूसरे में आ जाएगा 1707, तो ये तो आ गया टोटल कॉस्ट, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये है 10,000, ये है 8,000, लेस नॉर्मल लॉस, कितना है नॉर्मल लॉस बताओ, एक का 5 से, एक से 3 से 20, 5 से घटेगा तो कितना आएगा, 2%, 9,500 में से 2% घटा दोगे तो 9,310 आएगा, साथ ही में
पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राउंड वर्ड भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट ये कैसे निकलता है? तो ये निकलता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। टोटल यूनिट मतलब आफ्टर, इसको लिख दो टोटल यूनिट, यूनिट में से नॉर्मल लॉस और प्रोविजन फॉर नॉर्मल लॉस घटाने के बाद ये जो यूनिट है इससे डिवाइड करके, जरा बताना। 1121 डिवाइड बाय 9310 ये कितना आएगा? ये आएगा 12.04। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा। ये पहला क्वेश्चन था तो मैं सोचा करा दूं, ऐसे क्वेश्चन तो टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे आओ, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, पार्ट नंबर, ये कोई प्रोडक्ट है बताइए, इंटर इन स्टोर लेजर किस प्राइस पे इंटर करेंगे, यानी कि कॉस्ट बताइए मटेरियल का। ठीक है, ये रहा परचेज, 20% डिस्काउंट घटा के 8 से, जीएसटी जोड़ जाए 96 तो इतना, और पैकिंग चार्जेस 5, नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेज है, नॉन रिटर्नेबल है तो इसका कॉस्ट तो जुड़ता ही है। ठीक है, इतना बोल रहा है, 2% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। देखो, कैश डिस्काउंट हमें मटेरियल कॉस्ट में घटाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पढ़ा था आपको। अगर 2% कैश डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट क्या है? ये डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट घटता है क्या? बिल्कुल घटता है। डॉक्यूमेंट सस्टेनिंग पेमेंट ऑफ सीजीएसटी इज इनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट, यानी कि हमारे पास ना जो हमने सीजीएसटी पे किया इसका इनपुट क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट है, तो हमें रिफंड मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, तो ये भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर होगा क्या, 1000 लोगे आप, 200 ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे 800 आएगा, क्या जीएसटी जोड़ोगे? सीजीएसटी नहीं, क्यों? नॉन रिफंडेबल है क्या? नहीं, रिफंडेबल है, क्रेडिट मिल रहा है। पैकिंग जोड़ोगे? हाँ जी, पैकिंग जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 8 से 50। कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे 8 से 50 डिवाइड बाई 200, ये आएगा 4.25, यही दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है, क्वेश्चन पूछेगा नहीं ऐसे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूछना हो तो ये पूछेगा। एसकेडी लिमिटेड नॉन रजिस्टर्ड विद जीएसटी, एक नॉन रजिस्टर्ड इंसान को क्रेडिट नहीं मिलता, क्यों? क्रेडिट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मैं जाऊंगा एक मोबाइल खरीदूंगा, जीएसटी पे करूंगा, वो जीएसटी को कहां क्लेम करूंगा? मैं अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, टैक्स भरता हूं, तो पीछे जो मोबाइल मैंने लिया है और मेरे पास डॉक्यूमेंट है और साथ ही में उस मोबाइल पे अगर मुझे लॉफुली क्लेम मिले तो वहां पे मैं बोल सकता हूं कि क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं। आपको पता होना चाहिए पर्सनल कंजम्पशन पे नहीं मिलता, मैंने मोबाइल का गलत एग्जांपल दे दिया है ना, मान लो कि ऑफिस यूज के लिए कोई चीज लिया तो है ना, कोई भी इनपुट खरीदा तो, पर जो इंसान रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में उसको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता, यानी कि इस क्वेश्चन में अगर टैक्स पेड है कोई जीएसटी वगैरह तो हमें उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, कॉस्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। परचेज फ्रॉम पी, ठीक है, विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ऑब्वियसली हम जिससे खरीद रहे वो रजिस्टर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी रजिस्टर्ड होने चाहिए तभी हमको क्रेडिट मिलेगा। फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवेन फॉर वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट, ये 1000 यूनिट का इन्फॉर्मेशन है, ठीक सॉरी लिस्ट प्राइस दिया है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सीजीएसटी एजीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल, बोल दिया क्लियरली, नहीं बोलता तब भी मैं नहीं देता, मैं मानता है क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट में जुड़ेगा, 12% है, 66%। कैश डिस्काउंट 10% मिलेगा अगर पेमेंट 30 डेज के अंदर किया तो, और नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया है पेमेंट हमने 20 डेज में ही कर दिया तो कैश डिस्काउंट मिला होगा, क्या मटेरियल कॉस्ट से घटा दू? नहीं, मटेरियल कॉस्ट में नहीं आएगा, घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस मटेरियल कॉस्ट में आता है, टोल जो पे किया मटेरियल कॉस्ट में आता है, डिमरेज नहीं, ट्रांसपोर्टर को जो पेनल्टी पे करते हैं, एक्स्ट्रा पे करते हैं, ये अबनॉर्मल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट में नहीं आएगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज मटेरियल कॉस्ट में आएगा। अमाउंट डिपॉजिट किया कंटेनर के लिए 6000, बाद में जब हमने रिटर्न किया तो सिर्फ 4000 ही मिला, तो 2000 जो है ये मटेरियल कॉस्ट में आएगा। कह रहा अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है, ये हमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। 20% मटेरियल इज
शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस, यानी कि जो 1000 यूनिट है ना इसमें 20% कितना होगा, 200 यूनिट, ये नॉर्मल लॉस की वजह से है। तो एक्चुअल यूनिट कितना होगा, 800। कैसे मैंने निकाला, कॉस्ट पर यूनिट के लिए जो नीचे यूनिट से डिवाइड करते हैं वो टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, यहां पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, डब्बा आप बना लेना बढ़िया से, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो डब्बा में नहीं बना रहा हूं। सबसे लिखोगे पहले आप परचेज प्राइस, ये कितना था 50,000, लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% है ना, हाँ 5,000 घट जाएगा 45,000 आएगा, ऐड करोगे जीएसटी, जीएसटी एट द रेट 12% है, हाँ 12% है, सीधा मैंने लिख दिया सीजीएसटी एसजीएसटी, अलग नहीं करने की जरूरत है, सीधा भी आप कर सकते हैं, ये आएगा 5,400। इसको बोलते हैं टोटल परचेज प्राइस, इसमें क्या जोड़ोगे, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, क्या क्या है अपने केस में, कैश डिस्काउंट घटाओगे क्या, नहीं, कमीशन है, टोल है, बोलो फ्रेट एंड इंश्योरेंस है, कितना कितना है, फ्रेट है 3,400, टोल है 1,000, फ्रेट है 3,400, टोल है 1,000, कमीशन एंड ब्रोकरेज है 2,000, नन रिफंडेड कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कंटेनर में जो हमें अमाउंट रिफंड नहीं हुआ वो भी है 2,000, है ना, चलो और अदर एक कॉस्ट है देख लेंगे अभी, फिलहाल इतना जोड़ते हैं। ये आ गया 58,800, इसी में हम अदर एक्सपेंस है, फिर आ जाएगा टोटल कॉस्ट, पता है अदर एक्सपेंस बोला है 2%, किसका 2%, ये टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट हमें पता नहीं, पर आप एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट को अगर मैं 100 मान लूं तो ये 2% हुआ तो ये कितना होगा, ये होगा 98%, है ना, तभी तो 98 उसमें 2 जुड़ा तो 100% आएगा, है ना, तो अगर 58,800 98 है तो 100 कितना, तो 60,000 आएगा। इस हिसाब से टोटल कॉस्ट या वर्किंग नोट कर देना कैसे निकला है, सर 58,800 अगर 98 है तो 100 कितना, ये आया 60,000, ये आ जाएगा 1200। ठीक है, अगर हम कॉस्ट पर यूनिट, इसको वर्किंग नोट को थोड़ा नीचे करो, स्पेस चला गया मेरा, कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो टोटल कॉस्ट, कोई नॉर्मल लॉस जो ऊपर हुआ है इसकी रिकवरी है क्या, नॉर्मल लॉस नीचे, टोटल 1000 यूनिट है माइनस 20% नॉर्मल लॉस 200 यूनिट। ठीक है, कोई नॉर्मल लॉस जो 200 यूनिट हुआ है इसकी कोई रिकवरी है क्या, तो क्वेश्चन ने बताया ही नहीं, अगर रिकवरी होता तो रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस ऊपर घटाता मैं, ये आएगा 75 पर यूनिट। ठीक है, चलो समझ में आया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पर प्रॉब्लम ये है इसमें दो पार्ट पूछा था, पहला पार्ट तो अभी आप बना सकते हो, निकाल सकते हो, ये मैं करा दे रहा हूं कॉस्ट पर केजी, दूसरा पार्ट पूछा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, इसके लिए अभी हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है ईओक्यू का,
तो ईओ क्यू जब पढ़ेंगे तो पार्ट बी आप इजिली कर सकते हैं, असली मेहनत क्या है पार्ट ए बनाने में। एचबीएल जो है लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एम विच हैज क्वार्टरली डिमांड ऑफ दिस मच, ये हमारे लिए फिनिश गुड्स है एम, जिसका क्वार्टरली डिमांड कितना है, तो एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा 20,000 × 4 = 80,000। इसको बनाने के लिए इच प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg, एक एम प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए एक्स चाहिए और वाई के चाहिए, वाई कितना चाहिए 3 kg, एक्स चाहिए 3 kg और वाई चाहिए 4 kg, ठीक है। एम चाहिए बनाते कितना है फिनिश गुड्स 80,000 साल का। मटेरियल एक्स इज सप्लाइड बाई लोकल सप्लायर, कैन बी प्रोक्यूर्ड एट फैक्ट्री स्टोर एट एनी टाइम, ही नो रिक्वायर्ड टू कीप द इन्वेंट्री ऑफ एक्स। कह रहा है मटेरियल एक्स ना बाजू में सप्लायर बेचता है हमें, तो हमें ले आके रखने की जरूरत नहीं, हम पहले रखते भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जब हमें मटेरियल एक्स, जो मटेरियल एक्स है लाने की जरूरत नहीं, रखने की जरूरत नहीं, तो हम होल्ड नहीं करते मटेरियल एक्स को। मटेरियल वाई इज नॉट लोकली अवेलेबल, इट रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट इन स्पेसिफिक डिजाइन ट्रक कंटेनर विच कैपेसिटी ऑफ 10 टन। कह रहा है मटेरियल वाई जो है ना ये हम दूसरे स्टेट से लेके आते हैं स्पेशल कंटेनर में, स्पेशल ट्रक में आता है, एक ट्रक में 10 टन की, 1 टन मतलब 1,000 kg, 10 टन मतलब 10,000 kg का कैपेसिटी है, यानी कि इतना आ सकता है, यानी कि फ्रेट लगेगा इसमें, और मटेरियल जो वाई है इसको हम होल्ड भी करते हैं। तो आधा कहानी तो ईओक्यू से रिलेटेड बता रहा है, जो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। पर केजी प्राइस दिया है दोनों का, रेट ऑफ जीएसटी दिया है, जीएसटी कॉस्ट में तभी जोड़ेंगे जब क्रेडिट अवेलेबल ना हो, जरा देखना यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन जीएसटी पेड ऑन मटेरियल, यानी कि जीएसटी पे किया उस पर इनपुट अवेलेबल है तो कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। फ्रेट देखो इसमें लगता ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे बाजू में मिल रहा है, जब हमें जरूरत है सप्लायर हमें दे जाएगा तो फ्रेट की जरूरत नहीं, पर इसमें लगता है, एक बार हमें फ्रेट लगता है 28,000 एक ट्रक का। अच्छा लॉस देखो मटेरियल का क्या है, ट्रांजिट में ये तो लॉस नहीं होता, पर ये तो दूर से आता है ना 2% लॉस हो जाता है, और प्रोसेस में जब हम डालते हैं तो ये 4% लॉस होता है, ये 5%। ये जो परसेंटेज है ये अप्लाई करना है परचेज क्वांटिटी पे, ध्यान रखना इस बात को, परचेज क्वांटिटी पे अप्लाई करना है, ठीक है। बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट बताइए, जरा लिखो यहाँ पे, यहीं पे सॉल्यूशन में करता हूं, अब इनका रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा, जरा बताना, 80,000 में फिनिश गुड्स बनाना है, ये 3 लगता है तो कितना हो जाएगा 2,40,000 चाहिए, 80,000 में बनाना है, ये 4 kg लगता है एक यूनिट में तो 3,20,000 चाहिए। अब देखो एक्स के लिए समझो, 2,40,000 तो हमें चाहिए, लेकिन जो भी हम खरीद के लेके आते हैं 4% लॉस भी तो हो जाता है प्रोसेस में, मान लो 100 लेके आते हो ना तो 4 लॉस हो जाएगा, 96 बचेगा, तो ये इतना हमें चाहिए, आफ्टर लॉस इतना बचना चाहिए, जोड़ दो ट्रांजिट लॉस प्रोसेस लॉस, ट्रांजिट लॉस कुछ है नहीं, प्रोसेस लॉस है, जोड़ने के बाद रॉ मटेरियल परचेज कितना करना पड़ेगा ये आ जाएगा, जरा बताना। चार परसेंट लॉस होता है परचेज क्वांटिटी पे, जिस पे भी परसेंटेज दे उसको हमेशा 100 मान लिया करो, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ये अगर 100 है ना और ये 4 है तो ये पता है कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 96%, तभी तो 100 आइटम आते हैं, 4 लॉस होने के बाद 96 बचता है, ये 96 है तो 100 कितना, 2,40,000, ठीक है। चलो सिमिलरली इसके लिए देखो, ट्रांजिट में 2%, यहां पे बस मार्किंग कर रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे बताओ, ये अगर 100 है, 5 यहां लॉस हो जाता है, 2 यहां हो जाता है, तो ये 97 93 होना चाहिए, है ना,
मान लो 100 यूनिट लेके आए तो दो दो यूनिट लॉस हो गया ट्रांजिट में, 5 यूनिट लॉस हो गया प्रोसेस में, अंत में कितना बचता है 93 यूनिट। 93 ये है तो 100 कितना, 3,20,000 डिवाइड बाई 93 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 344,086। ठीक है, ये आ जाएगा 17,204, ये आ जाएगा 6,882। जब ये सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने दिया था ना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी इंस्टीट्यूट से, इसको राउंड ऑफ नहीं किया था, पर आप करना, ये एक्चुअल फिगर पता है कैलकुलेटर पे आ रहा है 6,881.7, तो इसको हमेशा राउंड ऑफ करके हमें क्या करनी चाहिए, 2 करनी चाहिए। अगर राउंड ऑफ नहीं करे तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, इसलिए 6 के बदले क्या आएगा 5, और वहां पे आया तो थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा, इसीलिए देखना इन्होंने यहाँ पे राउंड ऑफ गलत किया है। हमेशा जब 0.5 से ज्यादा हो तो हमें राउंड ऑफ अपर साइड करना चाहिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन को छोड़ो, ये इंस्टीट्यूट से मिस्टेक हो गया है, आपको हमेशा ये फिगर लेना है। इतना तो हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सॉल्यूशन में इसको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो परचेज प्राइस क्या है, तो परचेज प्राइस है 140 एंड 640। ठीक है, तो टोटल परचेज कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, 2,50,000 अगर आप खरीद के ला रहे हैं 140 के रेट से, तो ये आ जाएगा 3,50,000,000,000 344,086 इंटू 6,40,000, तो इसका आ जाएगा 3,44,086। ठीक है, ध्यान रखना मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे फिगर चेंज आएगा इंस्टीट्यूट की बुक से। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने राउंड अप गलत कर दिया है यहाँ पे, तो इंस्टीट्यूट ने राउंड अप, वैसे ये बुक में क्वेश्चन ही नहीं है जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके इंस्टीट्यूट की बुक में, लेकिन जब ओरिजिनली क्वेश्चन फ्रेम हुआ था तो वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सॉल्यूशन में, ध्यान रखना है आपको। साथ ही मैं फ्रेट जोड़ूंगा, अब परचेज कॉस्ट में फ्रेट जोड़ूंगा उसके बाद ही आएगा ना टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो फ्रेट लिख दूं, इसमें तो फ्रेट लगता ही नहीं है लेकिन इसमें लगता है, वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1 फ्रेट कितना आएगा, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट, उसके बाद यहां पे लिख देंगे कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, आपको करना क्या है, जब भी मैं कोई सॉल्यूशन बना रहा हूं ना, देखो एग्जाम में जब इसको बनाना होता तो ऐसे प्रेजेंट करना है आपको, देखो सॉल्यूशन को ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे अभी किया है, टेबुलर फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से। ठीक, चलो फ्रेट के लिए वर्किंग नोट यहां पे करते हैं, टोटल हमें कितना क्वांटिटी परचेज करना है, ये एक बारी में 10 टन यानी कि 10,000 केजी आ सकता है, तो नंबर ऑफ ट्रिप कितना होगा, या नंबर ऑफ ट्रक रिक्वायर्ड स्पेशल कंटेनर रिक्वायर्ड, 344,086 डिवाइड बाई 10,000, ये आ जाएगा बच्चे 34.4। अब इसको हमेशा आपको राउंड ऑफ करनी पड़ेगी अपर साइड, क्यों, इसके कहने का मतलब क्या है, वैसे पॉइंट में भी लोगी तो चलेगा, लॉजिक में दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूं, 34.4 टाइम्स का मतलब है 34 बार मंगाओगे वो तो लग ही जाएगा, एंड 35th टाइम जो मंगाओगे उसका 40% आपको लगेगा, है ना, 34.4 को आप ऐसे समझो कि 34 टाइम फुल लगेगा, और 0.4 का मतलब है जो उस समय मंगाओगे उसका 0.4% यानी कि 40% का आइटम लगेगा, तो आप ऐसे भी इंटू कर सकते हैं, ठीक है, 34.4 से, या फिर उसको अपर साइड राउंड ऑफ करके, दैट इज ये कितना होता है 35 होता है, कि भले ही 34 बार मंगाना पड़े 34.4 पर, हमें मंगाना तो 35 टाइम्स ही पड़ेगा ना, 35 बार ही पड़ेगा ना, है ना, समझ रहे हो, तो हमेशा आपको राउंड अप अगर करनी है तो राउंड अप अपर साइड करना है। ठीक, चलो तो फ्रेट कैसे निकलेगा, 35 इंटू एक बारी में 28,000 लगता है, नौ लाख 80,000 आया,
कितना क्वांटिटी है? वैसे ये कितना क्वांटिटी है? 2,40,000। परचेज क्वांटिटी से डिवाइड नहीं करना, आफ्टर लॉस, हम लॉस को क्या मान रहे हैं? नॉर्मल लॉस, लॉस होने के बाद जो क्वांटिटी बचता है उससे डिवाइड करना है हमेशा। मैंने आपको ये बात समझाई है। तो यह आ जाएगा 691.23। दूसरा आएगा 145.83। ये है आपका पहला रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन। देखोगे जब सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट की बुक से ना, तो वहां पे जो सजेस्टेड सॉल्यूशन था उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। देखो 145.83, 691.23, बट यहां पे फर्क दिखेगा। आंसर में क्यों फर्क नहीं दिखा? क्योंकि यहां जो रुपीज का फर्क दिखा ना, एक यूनिट की वजह से इतना ना कम था कि पर यूनिट कॉस्ट निकाले तो ज्यादा चेंजेस नहीं आया। अगर ज्यादा यूनिट में फर्क होता या पर यूनिट कॉस्ट में चेंजेस आते तो वहां पे सॉल्यूशन फर्क पड़ता, पर सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलो इसके आगे देखते हैं। हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड यही क्वेश्चन है। अब सेकेंड टॉपिक अपना क्या है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ध्यान से देखना। अभी तक हमने सिर्फ पहला टॉपिक पिया है, मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। अब पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक। ठीक है, और सबसे पहला टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो, जिसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। अगला टॉपिक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, चलो वैसे भी 1.5 घंटे के आसपास की क्लास हो गई, अगले क्लास में इसको कवर करते हैं। पहला क्लास था थोड़ा लाइट रखते हैं। आप मेरे पार्ट में इतना कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। साथ ही में कोई भी डाउट हो अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। मिलता हूं आप लोगों से सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड क्लास में, जो कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक। मेन पोर्शन यहीं से शुरू होता है, टेक्निक से, है ना, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने के टेक्निक से। तो सेकेंड लेक्चर में मिलता हूं आप लोगों से सेकेंड टॉपिक के साथ।